लोगों के लिए। मैं पहले बता दूं, आपने बिल्कुल सही कहा, विनिवेश से जुड़ी बड़ी खबर है और विनिवेश को रफ्तार देने के लिए आज आप जानते हैं कि दीपम और नीति आयोग के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके बीच एक बैठक होने जा रही है। ये बात तो पता है कि बैठक है, बट क्या होने जा रहा है बैठक में और कौन सी कंपनीज है जिन पर डिस्कशन होगा, ये जानकारी ज्यादा जरूरी है। तो मुझे जो सूत्र बता रहे हैं इस वक्त वो ये कि पीएसयू के एसेट मोनेटाइजेशन पर चर्चा संभव है और यहाँ पर नॉन कोर एसेट्स की पहचान करी जाएगी कुछ पीएसयूज की, और उनके नाम मैं आपको बता दूं, एमटीएनएल, आईएफसीआई, बीएचईएल, स्कूटर्स इंडिया, ये चार पांच कंपनीज हैं जिन पर खास करके डिस्कशन होगा, क्योंकि एक राउंड ऑफ डिस्कशन इन पे हो चुके हैं। अब इसको फाइनलाइजेशन स्टेज पर ये है, इनका कार्व आउट हो गया है कि जैसे एमटीएनएल फॉर एग्जाम्पल 23,000 करोड़ रुपए के एसेट मोनेटाइजेशन होगी इस कंपनी के बाद। आप जानते हैं बहुत सारी लैंड बैंक है, एसेट्स है जो कि सरकार मोनेटाइज करना चाहती है, तो उस पर चर्चा है। आईएफसीआई में भी आप जानते हैं कई प्राइवेट कंपनीज ने यहाँ पर बिड करने की बात करी है, चाहे वो थॉमस कुक हो या टूरिज्म फाइनेंस की कंपनी हो, यहाँ पर ये हिस्सा लेना चाह रही है इस कंपनी में। तो यहाँ इस कंपनी के लिए भी काफी इंटरेस्ट है और एसेट मोनेटाइजेशन करने की बात है। सारा का सारा फोकस है कि कैसे मैक्सिमाइज करे वैल्यू पीएसयूज को और कैसे इनको बेचा जाए जिससे सरकार को फायदा और इन कंपनीज को फायदा हो, इन टर्म्स ऑफ जो इनकी वैल्यूएशन है इनके एसेट्स की, उसकी सही पहचान हो पाए। तो सरकार बिल्कुल तेजी में है। आपको याद होगा अमिताभ कांत जी के साथ जो मैंने इंटरेक्शन किया था उसमें उन्होंने बिल्कुल यही बात की थी कि मार्च के मिड तक कई मीटिंग्स होंगी, सीरीज ऑफ मीटिंग्स, और बाय एंड ऑफ मार्च पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा किस तरह से 100 CPSCs, 100 PSUs की एसेट मोनेटाइजेशन की जो बात कही जा रही है। तो ये बहुत ही अहम बैठक है और अब आप देखेंगे लगातार इसी डायरेक्शन में कई खबरें आएंगी, कई कंपनीज के बारे में सरकार जो सोच रही है। इंटरेस्टिंग है। तो आज एक बड़ी बैठक है, विनिवेश विभाग यानी कि दीपम, नीति आयोग और ये सारे बड़े अधिकारी मिलकर पीएसयूज के एसेट मोनेटाइजेशन पर आज एक मीटिंग करने वाले हैं। तो और जिसमें तीन या चार कंपनियां ऐसी जिनके पास बड़ा लैंड बैंक है, पहला तो एमटीएनएल, सबसे ज्यादा तो एमटीएनएल ही है जिसका जिसके लिए सबसे बड़े फायदे, क्योंकि लोग इसके एसेट्स की वैल्यू 40 से 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए तक भी लगाते हैं, भगवान जाने कितनी है, लेकिन 40-50 रुपए तो कंजर्वेटिव टाइप पर लोग पकड़ते हैं कि इतनी तो ही है। तो एमटीएनएल जिसकी एक जिसमें बिजनेस कुछ खास रहा नहीं, सिर्फ लैंड है और एसेट्स हैं, उन्हें बेचने की तैयारी। यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी आईएफसीआई भेल भी इंटरेस्टिंग, भेल में भी जबरदस्त एसेट्स हैं जो बेचने की तैयारी में, उन पर विचार किया जाएगा। आईएफसीआई में भी इंटरेस्टिंग होगा। आईएफसीआई में मैं खाली एक चीज बताऊं दीप, हो सकता है आईएफसीआई में नॉन कोर एसेट्स जैसे कि आपको पता है आईएफसीआई के पास कितने शेयर हैं एनएससी के? हाँ नहीं सर, सोच भी नहीं सकते। अगर मेरा अंदाजा सही है तो करीबन 6-7% स्टेक है। वाओ, करीबन, बहुत समय पहले मैंने स्टोरी की थी इसलिए मुझे अभी एग्जैक्टली इसको याद नहीं है कि एग्जैक्टली कितना है, लेकिन एक इनके पास है, दैट इटसेल्फ ही बहुत बड़ी, एक इनके पास है, एक इनकी सब्सिडियरी के पास है। अच्छा हाँ, तो इनके मार्केट कैप से कई गुना ज्यादा स्टेक तो इनके पास एनएससी की स्टेक है, वो मोनेटाइज होने की तैयारी में, जैसे एनएससी का आईपीओ आएगा ये मोनेटाइज हो जाएगा। दूसरा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन में भयंकर इनके पास स्टेक है जिसकी वैल्यूएशन है। तो आईएफसीआई में भी हो सकता है सरकार इसे मोनेटाइज करने की कोशिश करे, ये एक संभावना पूरी है। भेल में तो है, तो ये बहुत सारे ऐसे पीएसयू स्टॉक्स है जिन्हें आप कचरा समझते हैं, इनमें वैल्यू निकल कर आएगी। काम होना चाहिए और काम होना चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस रोज आ रहा है जी। आप देख लीजिए जिस तरह से रोज आता दिख रहा है। स्वाति हमारे साथ है, अगर तो स्वाति से एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। स्वाति एक चीज बताइए, आज ये अधिकारियों की बैठक है, इस बैठक के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए ये बैठक अहम इस पॉइंट से है कि आज एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि ये पीएसयूज पहले मोनेटाइज होने जाना चाहिए, तो इस पर दीपम और नीति आयोग को एक सेम पेज पे आना है, क्योंकि आप देखिए नीति आयोग आइडेंटिफाई कर रही है बट इसका जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम दीपम का है। तो आज जो बैठक है उसमें ये दोनों एक ही पेज पे आ जाएं, दोनों की सहमति बन जाए, मोटे मोटे तौर पे सहमति है, मैंने दोनों विभागों में बातचीत की है, ऑफ कैम मीटिंग्स में ये बताया गया है साफ कि यहाँ पर दोनों बिल्कुल इसी कार्य में प्रतिबद्ध है कि भाई जो टाइमलाइंस हैं उनको मीट करना जरूरी है। तो आपका जो सवाल है कि अब अगला क्या कदम होगा, तो अगर आज बैठक में ये जो आइडेंटिफाई हो जाए कंपनीज, अब इनके पीछे पड़कर इनको क्लोज करने की बात जरूरी है, क्योंकि ये कई समय से इनके नाम आ रहे हैं बट अब सरकार ये कह रही है कि भाई इनमें से जो फाइनलाइज होते जाए उनको क्लोज करते जाइए, क्योंकि समय अच्छा है,
मार्केट्स भी अभी स्ट्रांग है, पोटेंशियल बायर्स की एक तरह से अच्छी उनको रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो इसमें समय अब नहीं लगाएंगे और इसका प्रोसेस अब नेक्स्ट स्टेप्स में जाएगा, तो विच मीन्स कि अब ये कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगी और साथ साथ फिर दूसरी लिस्ट भी बनती रहेगी। तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में होगा, आप इसको समझिए 6-7 ट्रांच होंगे जिसमें 100 PSUs टाइम बाउंड मैनर में मोनेटाइज होंगी। तो ये आपके लिए बड़ा एक्शन, 5% के आसपास की स्टेक है सब्सिडी और अपनी मिलाकर IFC के पास NSE की, वो इन इटसेल्फ ही बड़ा ट्रिगर है। इसका एक रिसर्च करनी चाहिए हमें, वैल्यूएशन निकालना चाहिए IFC का कि IFC का वैल्यूएशन क्या हो सकता है अगर इतनी स्टेक है तो। जी ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। MTNL का भी एक बार हमें वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर लैंड बैंक है और वाकई सरकार सीरियसली इतना करने की सोची है तो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि आप इन कंपनियों को बिजनेसेस के दम पर आप वैल्यू नहीं कर सकते कि बिजनेसेस में क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं है बिजनेस के एंगल से नहीं, लेकिन अगर वैल्यू है और वो वैल्यू अनलॉक होनी है तो बैलेंस शीट में कितना डेट, कितना कर्ज है, कितना नुकसान है और सामने कितनी वैल्यू है उसको देखकर एक एनालिसिस। चलिए हम इस पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे भी। तो ये है आपके लिए बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स जहां पर भरपूर एक्शन दिख रहा है। आइए एक्शन के लिए तैयार है सुमित जी, सुमित का सुपर हिट और उसके बाद जय का जय।